वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के आदेश के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वुजू खाने से शिवलिंग मिलने का दावा किया, जिसके बाद इसकी चर्चा जोरों पर हो गई और सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया की बाढ़ आ गई। लेकिन इस मुद्दे के साथ एक और मुद्दा था जो उठा था। ताजमहल को शिव मंदिर तेजो महालय बताकर ताजमहल में बने 22 कमरे खोलने की याचिका कोर्ट में डाली गई थी, जिसके बाद काफी घमासान देखने को मिला था। याचिका में कहा गया था कि ताजमहल के 22 कमरों में क्या है, ये सबके सामने आना चाहिए, इसलिए उसको खोला जाना चाहिए, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी थी और उल्टा सवाल किया था कि आप इस पर हमसे क्या फैसला चाहते हैं, पहले इतिहास पढ़कर आइए। इसी बीच अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इन कमरों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। आगरा ASI प्रमुख RK पटेल ने एक चैनल को बताया कि तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज लेटर के रूप में ASI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई भी उनकी वेबसाइट पर जाकर इन तस्वीरों को देख सकता है। RK पटेल ने कहा कि कमरों के अंदर किए गए मरम्मत की तस्वीरें जारी की गई हैं। वहीं पर्यटन उद्योग के सूत्रों ने बताया कि इन कमरों में क्या है, इस बारे में गलत बातें ना फैलें, इसे रोकने के लिए इन तस्वीरों को सार्वजनिक किया गया है। ASI ने यह भी कहा कि इन बंद कमरों में प्लास्टर और चूने की पैनिंग सहित रेनोवेशन का काम किया गया था। इस काम में करीब 6 लाख रुपए का खर्च आया था। आपको बता दें, याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि कमरे को खोलने की मांग के लिए किसी भी ऐतिहासिक शोध की जरूरत है, हम रिट याचिका पर विचार करने में सक्षम नहीं है, यह याचिका खारिज की जाती है। इससे पहले हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि इस मुद्दे पर रिसर्च करो, इसके लिए MA PhD करो, कोई ना करने दे तो हमारे पास आओ। इस खबर में इतना ही। आप क्या कहना चाहते हैं इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ।